स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एशिया कप मैच प्रीव्यू, जो खेला जाएगा शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह पे। मैच टाइमिंग शाम के 7:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 3 सितंबर को श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में रोमांचक मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है, जो पिच दोस्तों इस मैच के अंदर रहने वाली है ये न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो पिछला मैच हुआ था ना वो 4 दिन पहले यहाँ पे हुआ था। और वो जो पिच थी दोस्तों श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के अंदर जो 3 सितंबर को यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था, उस मैच के अंदर दोस्तों 2 टाइम्स यूज पिच थी। तो आप समझ सकते हो इस मैच के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा आसार है कि फ्रेश पिच के ऊपर मैच खेला जाएगा। अब देखो जो पिच है दोस्तों शारजाह की, ये पिच थोड़ी सी धीमी रहती है, लेकिन आप यहाँ पे देखो पहली पारी के स्कोर्स क्या रहे हैं अभी तक। 3 मैच वहाँ पे एशिया कप के अंदर, पहला मैच यहाँ पे हुआ था बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में, उस मैच के अंदर पहली पारी के अंदर 127 रन बना था 7 विकेट गवा के। उसके बाद देखो दोस्तों पे 2 हाई स्कोरिंग मैचेस गए, 193 बना, 175 बना। ये दोनों मैच के अंदर पिच सेम थी। इस मैच में दोस्तों पिच अलग रहने वाली, जिस मैच को अभी अपन कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये पहला मैच बताऊँ लो स्कोरिंग क्यों गया था, क्योंकि उस टाइम पे ये पहला मैच था पे शारजाह के ऊपर। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे दोस्तों जो प्लेयर्स थे ना अवेयर नहीं थे पिच के बारे में। फिर जो अगले 2 मैच हुए उसमें दोस्तों प्लेयर्स को पता था बॉल यहाँ पे रुक के आती, धीमे आती है, तो प्लेयर्स दोस्तों यहाँ पे वेट करके खेलने लग गए थे। तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको बॉल के अपने पास आने देना है, फिर खेलना है पे शॉट्स। मेरे पास दोस्तों कुछ फोटोज है पिच वगैरह की, बाउंड्री डायमेंशन के आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मैं। तो आप देख सकते हो जो पिच है यहाँ पे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह की, जो लास्ट मैच होता है तब दोस्तों ऐसी पिच की फोटो थी, बहुत काली पिच थी। देखो आप खुद देखो, आमतौर पर पिच पे क्या रहता है, थोड़ा सा व्हाइटनेस रहती है, पर यहाँ पे शारजाह के ऊपर एक काली पिच थी दोस्तों। आप देख सकते हो ऐसी पिच दिखती है, पर जो साइड की पिच है ना आप देखो, शायद इस पिच के ऊपर ये मैच हो सकता है। मेरे को लग रहा है दोस्तों इस पिच के ऊपर मोस्टली चांसेस है मैच होने का, ये एकदम वाइट पिच है। इस पिच के ऊपर दोस्तों मैच होता है ना तो हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, फिर से 200+ टारगेट जा सकता है अगर इस पिच पे मैच हुआ तो। ये दिख रहा है आपको राइट साइड वाली, तो देखते हैं दोस्तों किस पिच के ऊपर मैच होता है। लेफ्ट वाली तो ड्राई पिच लग रही है मेरे को, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों किस पिच के ऊपर मैच होगा, आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा, क्योंकि कमेंटेटर्स ना पिच रिपोर्ट के बारे में आके बताते हैं टॉस के टाइम पे, या उसके बाद भी आके बताते हैं कि पिच दोस्तों यहाँ पे किस तरह से बिहेव करेगी। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप देखो इस वेन्यू के ऊपर स्पिनर्स कहाँ पे दोस्तों गेंदबाजी करनी चाहिए। तो अभी तक जो एशिया कप के मैचेस हुए ना उसके अंदर यहाँ पे जो गेंदबाज विकेट टू विकेट डालते हैं उनको भाई साहब यहाँ पे बहुत विकेट मिलते हैं। मुजीबुर रहमान देख लो, वो डंडों पे बॉल डालते हैं इसलिए उनको विकेट मिलते हैं। जो गेंदबाजों से विकेट टू विकेट स्पिनर्स डालते हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे शारजाह के ऊपर। बाउंड्री डायमेंशन की बात करते हैं फिर, बुकातिर एंड सामने की बाउंड्री 73 मीटर्स है, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज है एक तरफ 67 है एक तरफ 61 है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों छोटा मैदान है, ये एक रीज़न यहाँ पे रन बन जाते हैं, वरना भाई साहब थोड़ा बड़ा बाउंड्री डायमेंशन रहता है ना तो यहाँ पे छक्के चौके लगना मुश्किल हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों ये पूरा जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ था उसके स्टैट्स हैं, कि विकेट टू विकेट जो गेंदबाजी करे तो उनको ज़्यादा विकेट मिले थे यहाँ पे स्पिनर्स को। और जो पेसर्स यहाँ पे गुड लेंथ पे बॉल डालते हैं, लेंथ बॉल रहती है ना और थोड़ी सी शॉट, उनके यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलता है। सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे। स्टेडियम का व्यू देखना भाई साहब, क्या स्टेडियम है ये, पास ही में रोड है, यहाँ पे दोस्तों बॉल जाती है, बहुत मजा आता है देख के। अब देखो यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान ने कितने मैच खेला है, 5 मैच खेला है, 4 मैच जीता है, 1 मैच हारा है। अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान यहाँ पे 1 मैच खेल चुकी है हांगकॉन्ग के खिलाफ, तो कंडीशन को जानती है। अफगानिस्तान तो यहाँ पे बहुत सारे मैचेस खेल चुकी है, 2 मैच खेल चुकी है इस एशिया कप में, पर यहाँ पे टोटली देखा जाए तो अफगानिस्तान ने पे 20 मैच खेली है, 16 जीती है, 4 हारी है। जो टीम बैट फर्स्ट करती है इस मैदान के ऊपर 15 मैच जीती है, जो टीम चेस करती है 21 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 36 गेम। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से अगर आप टॉस हार भी जाते हो ना तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बैट फर्स्ट करो चाहे बैट सेकंड करो आपको गेम अच्छा ही खेलना है। औसतन स्कोर 140-170। लास्ट 36 मैच में क्या हुआ, पेसर्स ने 245 विकेट निकाले, पहली पारी में 133 है, दूसरी पारी के अंदर 112 है। तो पहली पारी में पेसर्स आगे हैं, राइट आर्म पेसर 208 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर 37 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं, 36 मैचों के अंदर स्पिनर्स ने 149 विकेट्स निकाले हैं, लगभग 150 विकेट्स हैं। पहली पारी में 67 है, दूसरी पारी के अंदर भाई साहब स्पिनर्स बहुत आगे हैं, 82 विकेट्स है। ऑफ स्पिनर्स का 47, लेग स्पिनर्स का 67, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 28 विकेट है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था कब हुआ था, हुआ था 3 सितंबर को, श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में मैच था, 5 विकेट पेसर का था, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर का था। वेदर फोरकास्ट एकदम सन्नी है भाई साहब, तगड़ी धूप पड़ रही है वहाँ पे,
और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों शहनवाज धानी फिटनेस टेस्ट पास करेंगे और किसी टीम में कोई दिक्कत की यहाँ पे शंका ही नहीं है। दोनों टीम से आपस में दो बार खेला है, एक 2021 में खेला था, एक 2013 में खेला था और दोनों पाकिस्तान जीती है। लाइनअप्स की बात करते हैं यहाँ पे, बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, ओपनिंग करेंगे मोहम्मद रिजवान के साथ, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, कुजिल शाह, आसिफ अली, शदाब खान जो कप्तान है इस टीम के, नवाज आएंगे, इनको दोस्तों कभी भी ऊपर भेजा जा सकता है। नसीम शाह, हसन अली, हरीश रॉफ आपको खेलते हुए दिखेंगे। हसन अली के बल्ले दोस्तों यहाँ पे वही दानी या तो फिर मोहम्मद हसनैन भी आ सकते हैं, देखते हैं। अफगानिस्तान, रहमुल्ला गुरबाज यहाँ पे ओपनिंग करेंगे हजरतुल्ला जजई के साथ, इब्राहिम जादरान, नजीबुल्ला जादरान, दो जदराइन ब्रदर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मोहम्मद नबी, करीम जनत, अजमतुल्ला मर्जे, खान साहब, फारूकी, मुजीब, नवीन उलख चलेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, जब दोनों टीम सामना सामना करती तो क्या होता है। बाबर आजम ने अगेंस्ट अफगानिस्तान एक ही मैच खेला, 51 करा था चेस करते 2021 का वर्ल्ड कप, आपको याद होगा जिसमें बाबर आजम राशिद खान के सामने गलत शॉट खेल के आउट हुए थे, उनकी शायद लास्ट बॉल थी स्पेल की, याद हो तो आपको। मोहम्मद रिजवान ने 8 रन बनाया था उसमें, मुजीब पे आउट हुए थे चेस करते हुए, फखर जमान का 30 रन था वहाँ पे चेस करते हुए, इफ्तिकार अहमद ने हेडवर्ड नहीं खेला, इनका फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। इस साल इन्होंने 2022 के अंदर 16 मैच खेले T20 में, 23 की औसत है, 281 रन है। कुशदिल शाह, इन्होंने हेड टू हेड नहीं खेला, इनका फॉर्म भी लिखा हुआ है, ये बैट फर्स्ट में 23 की औसत रखते हैं, चेस के ऊपर 34 की औसत रखते हैं। आसिफ अली ने दोस्तों मैच विनिंग नॉक खेली थी लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ था, क्रुशियल दोस्तों नॉक थी इनकी, वो मैच डिसाइडिंग नॉक थी, इन्होंने 25 नाबाद करा था चेस करते हुए। शदाब खान का हेड टू हेड के अंदर एक विकेट बॉल फर्स्ट है, मोहम्मद नवाज दोस्तों लास्ट स्क्वाड के अंदर थे ही नहीं, इमाद वसीम थे उनके बड्डे आपको याद है, और इमाद वसीम ने हेड टू हेड के अंदर 2 विकेट निकाला था, 25 रन का स्पेल दिया था बॉल फर्स्ट करते हुए। तो देखते हैं दोस्तों मोहम्मद नवाज भी वसाई काम करके दे सकते हैं, इसी टाइप के गेंदबाज है, उनसे बेटर है दोस्तों मोहम्मद नवाज। हरीश रॉफ एक विकेट बॉल फर्स्ट है यहाँ पे, नसीम से हेड टू हेड नहीं खेले इस साल, अच्छा फॉर्म है। शहनवाज धानी हेड टू हेड नहीं खेले इस साल, 11 मैचों में 17 विकेट है। हसन अली का हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट था, इन्होंने 1 मिड ओवर डाल के भी 43 रन दे दिया था। स्टार्टिंग और शहनवाज धानी खेलते हैं तो, वरना यहाँ पे मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, नवाज, बेहतर के अंदर कौन आता है, हरीश रॉफ, नसीम शाह। चलेंगे दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ, रहमुल्ला गुरबाज ने क्या करा हेड टू हेड के अंदर, 10 रन बैट फर्स्ट, हजरतुल अज़ज़ाई ने 0 रन बैट फर्स्ट करा था, आउट हो गए थे वहाँ पे, और इब्राहिम जादर अपना हेड टू हेड नहीं खेला, लेकिन प्लेयर दोस्तों बहुत अच्छा है, बॉल को बहुत अच्छे से टाइम करता है। हाल ही के अंदर मैंने आपसे स्टार्टिंग वीडियोस में चर्चा भी करी थी, ये अफगानिस्तान डोमेस्टिक T20 के अंदर शपे गाजा के अंदर बहुत रन बना के आ रहा है, यही एडवांटेज होता है, अगर आपके पीछे रन होते हैं ना तो आप बड़े लेवल पर कॉन्फिडेंट फील करते हो, अगर आप छोटे फॉर्मेट में जाके रन नहीं बनाते छोटे लेवल के ऊपर और आप आके बड़ा मैच खेलते हो ना तो आप नर्वस रहते हो, ये बिल्कुल नहीं लगा इब्राहिम जादरान। बैट फर्स्ट 31, चेस के ऊपर 38 की औसत है। नजीबुल्ला जादरान दोनों हेड टू हेड मैच खेले, एक 2021 में हुआ था, एक 2013 में हुआ था, दोनों खेले भाई ने, 22 रन बैट फर्स्ट, 38 रन बैट फर्स्ट। और दूसरे एकमात्र प्लेयर है मोहम्मद नबी जिन्होंने दोनों हेड टू हेड खेले, नजीबुल्ला जादरान ने तो खेला ही है और मोहम्मद नबी ने भी खेला है। 35 नबाद बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, 15 बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है। करीम जनत ने हेड टू हेड खेला था, कुछ 50 रन का स्पेल था इनका, 4 ओवर के अंदर 0 विकेट निकला था, बॉल सेकंड है। अजमतुल मुरजई नहीं खेले हेड टू हेड, राशिद खान का 2 विकेट बॉल सेकंड था, मुजीब का 1 विकेट बॉल सेकंड था, नवीन उलख का 1 विकेट बॉल सेकंड, और यहाँ पे शमिल्ला शिनवारी ने हेड टू हेड खेला है, 16 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट था। स्टार्टिंग और मुजीब, नवीन उलख, फारूकी, डेथ के अंदर राशिद, नवीन और फारूकी। बात करते हैं इस मैदान पर जब मैच हुआ शरजहाँ पे तो क्या हुआ है, बाबर आजम ने यहाँ पे 14 मैच खेले, 36 की औसत है, 389 रन है, बैट फर्स्ट 67, 55, 46, 27, 25, 9 स्कोर्स हैं। चेस के ऊपर देखो 67, 47 नॉट आउट, 29 नॉट आउट, 9, 9, 1, 0। पर बड़ी बात क्या है, बाबर आजम इस साल एशिया कप के अंदर सिंगल डिजिट में स्कोर कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है दोस्तों बाबर आजम बड़े मैच का वेट कर रहा है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पर। मोहम्मद रिजवान 15 मैच खेले कहाँ पे, इस मैदान के ऊपर 47 की औसत है, 359 रन है, लास्ट टाइम 78 करा था आपको याद हो तो, बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, क्या कंसिस्टेंसी इस बंदे के पास। बैट फर्स्ट 50 नाबाद, 46 नाबाद, 29, 21 नॉट आउट, 15, 78 नाबाद, बैक टू बैक 330 प्लस स्कोर है, 2 बैक टू बैक 50s इस भाई की एशिया कप में, ना कि स्वेनी के ऊपर। बैट सेकंड 33, 32 नाबाद, 24, 16, 12, 3। जमान साहब ने इस मैदान पर क्या करा है, 12 मैच खेले, 377 रन है, 31 के औसत है, बैट फर्स्ट 94, 56, 47, 38, 6, 3, 53, चेस के ऊपर 63, 11, 6, 0। उनके लिए दोस्तों मैदान बहुत छोटा है फखर जमान के लिए। इफ्तिकार अहमद ने यहाँ पे 2 मैच खेला, 1 रन है। कुशदिल शाह ने यहाँ पे 1 मैच खेला, 35 नबाद करा था बैट फर्स्ट। आसिफ अली का 16 मैच में 238 रन है, 30 के औसत है। शदाब खान का 16 में 16 विकेट है, बॉल फर्स्ट 6 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड में बहुत बेहतर स्टैट्स है, 9 मैचों में सीधा 13 विकेट है, 7 बार विकेट लस गया। मोहम्मद नवाज का यहाँ पे 14 विकेट है 16 मैचों में, बॉल फर्स्ट 8 मैच में 3 विकेट है, बहुत खराब स्टैट्स है, लेकिन बॉल सेकंड में देखो 8 मैच में 11 विकेट है,
तो देखो एक बार, बॉल फर्स्ट में भी 8 मैच है, बॉल सेकंड में भी 8 मैच है। फर्क क्या है, बॉल फर्स्ट में 3 विकेट है, बॉल सेकंड में सीधा 11 विकेट है। भाई साहब क्या अलग ही लेवल के स्टैट्स हैं ये। हरीश रॉफ का 4 मैच में 8 विकेट है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर विकेट लेस नहीं गए आज तक। नसीम शाह का 2 विकेट बॉल सेकंड है, शहनवाज जानी का 1 विकेट बॉल सेकंड है। आई थिंक दोस्तों हरीश रॉफ का मैंने स्टैट्स यहाँ पे अपडेट नहीं किया था, उसका 5 मैच है और लास्ट टाइम यहाँ पे विकेट लेस गए थे हांगकॉन्ग के खिलाफ, जितना मुझे याद आता है। 1 ओवर डाला था इस बंदे ने इसी वन के ऊपर। ये दोस्तों अपडेटेड स्टैट्स है, क्योंकि दोस्तों जिससे मुझे याद आता है ना कोई चीज़, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि कोई हर्ज नहीं यार अपने गलत इन्फॉर्मेशन यूजर्स को देनी नहीं है। नसीम शाह 2 विकेट बॉल सेकंड है, शहनवाज जानी का 1 विकेट बॉल सेकंड है, हसन अली 12 मैच में 19 विकेट है। चलते हैं यहाँ पे, हसनैन ने नहीं खेला है, चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। गुरबाज ने यहाँ पे 9 मैच खेले हैं, 206 रन है। लास्ट टाइम यहाँ पे 84 करा था, आपको याद हो तो, श्रीलंका के खिलाफ, और श्रीलंका ने दोस्तों जवाब के अंदर वहाँ पे मैच जीता भी था। बैट फर्स्ट 46-15-10-84, चेस के ऊपर 33-7-11। हजरत अल जजई की बात करते हैं यहाँ पे, इनका 13 मैच के अंदर यहाँ पे 402 रन है। बैट फर्स्ट 44-24-11-10-7-1-13, चेस के ऊपर 124-62-40-27-16-23 है। इब्राहिम जादरान 0 रन चेस पे, 42 नॉट आउट चेस पे, 40 बैट फर्स्ट। नजीबुल्ला जादरान 20 मैच के अंदर 357 रन है। मोहम्मद नबी 33 मैच 523 रन, 25 विकेट है, 15 बार विकेट लेस गए। करीम जनत का 11 मैच में 12 विकेट है। अभी तक भाई साहब ने 3 मैच खेले, किसी भी मैच में उनको ना बैट मिला ना करने को बॉल मिला, 2 कैच छोड़े भाई ने, बस वो बात है। अजमतुल्ला मर्जई जिस मैदान पे 4 मैच में 2 विकेट है। खान साहब का 21 मैच में 29 विकेट है। फारूकी का यहाँ पे 2 मैचेस में 0 विकेट है। मुजीब का यहाँ पर 14 मैच में 24 विकेट है, 4 बार विकेट लस गए। नवीन उलग का 12 मैच में 8 विकेट है, 6 बार विकेट लस गए। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे मैचअप की तरफ, कौन किसके सामने कितना स्ट्रगल करता है। तो बाबर आजम का मैचअप बनता है मोहम्मद नबी के सामने, 61 गेंद 52 रन, 2 बार आउट किया दोनों बार दूसरी पारी के अंदर। ये दोनों 207 के अंदर PSL खेल चुके हैं, बाबर आजम और मोहम्मद नबी कराची किंग्स के लिए साथ में PSL खेल चुके हैं, टीममेट्स रह चुके हैं। राशिद खान वर्सेस है बाबर आजम, अच्छा मैचअप है, 6 बार आउट करा है, 68 बॉल के अंदर 82 रन देके, 3 बार पहली पारी में, 3 बार दूसरी पारी में। मुजीब ने 52 बॉल में 22 रन देके 1 बार आउट किया। रिजवान वर्सेस राशिद 18 गेंद 15 रन, मुजीब 11 गेंद 9 रन, 1 बार आउट किया। फकर जमान वर्सेज नबी 31 गेंद 40 रन, 1 बार आउट किया। नूर अहमद ने 10 गेंद में 13 रन देके 1 बार आउट किया। असीफ अली वर्सेस नूर अहमद, मुजीब एंड राशिद खान, 1 बार आउट कर रखा है। गुरबाज का मैचअप हसन अली के सामने, 1 बॉल 0 रन, 1 बार आउट किया। हजरतुल्ला जजाई वर्सेस नशीम शाह, 1 बॉल 0 रन, 1 बार आउट किया। नजीबुल्ला जादरान का आप मैचअप देख सकते हो, शदाब खान के सामने है, हसन अली के सामने है, हसनैन के सामने है, 1-1 बार आउट किया। मोहम्मद नबी वर्सेस हसन अली 23 गेंद 37 रन, 2 बार आउट किया। कादिर ने, दानी ने, नशीम शाह ने 1-1 बार आउट कर रखा है। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे मोहम्मद रिजवान, राशिद खान। बड़ी लीग में बनाओ बाबर आजम, राशिद खान, रिजवान, नबी, अलग जाना दोस्तों यहाँ पे तो वही बात है। शादाब नवाज एक पॉपुलर पिक है, गुरबाज भी दोस्त एक पॉपुलर पिक है। ये जो मैंने 3 लिखे ना नाम एक साथ, ये सब पॉपुलर पिक्स है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, ड्रीम 11 टीम की। तो भाई साहब यहाँ पे कैप्टन है मोहम्मद नवाज, वाइस कैप्टन यहाँ पे शादाब खान है। चाहे आप अल्टी पल्टी कर सकते हो, यूनिवर्सल दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ये होने वाले हैं, तो गलत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो टीम है सामने अफगानिस्तान एकदम कमजोर टीम है, शादाब खान और मोहम्मद नवाज को विकेट दी जाएगी, ऐसा भी संभव नहीं है। एक टक्कर का दोस्तों मैच होगा। लास्ट टाइम भी एक टाइम पे लग रहा था, जब मैच होता ना 2021 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, उसमें तो उस टाइम पे क्या लग रहा था कि अफगानिस्तान जीतेगी लास्ट 3 ओवर तक, फिर आखिर में असीफ अली आते हैं दोस्तों, धुलाई करके जाते हैं वहाँ पे। तो बात वही है, ये मैच टक्कर का रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, दो नॉर्थ एशिया की टीम्स आई, एक तरफ होंगे बाबर आजम, दूसरी तरफ होंगे यहाँ पे मोहम्मद नबी, दोनों दोस्तों एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो टक्कर का मैच है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे फैजल उक फारूकी है, दूसरी तरफ नशीम शाह, टक्कर का मैच है दोस्तों, शानदार मैच है। अब देखो यहाँ पे बड़ी लीग में करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। रिजवान इंपॉर्टेंट है, गुरबाज दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, और पर गुरबाज पे दोस्तों थ्रेट रहेगा मोहम्मद नवाज का, वो लटकाते हैं स्पेशली ओपनर्स को। जमान इंपॉर्टेंट है, नजीबुल जादरान आपका कॉल रहेगा, बबर मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, इब्राहिम जादरान इंपॉर्टेंट लगे। यहाँ पर जजई को आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन जजई भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फ्रंट के सामने फंसते हैं, लेकिन बड़ी पारी पेंडिंग, अभी तक बड़ी पारी नहीं आई है इनसे। चलते हैं, नवाज इंपॉर्टेंट, शदाब इंपॉर्टेंट, नबी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। नशीम शाह इंपॉर्टेंट रहेंगे, मुजीब इंपॉर्टेंट है, राशिद इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करती है तो आपको हरीश रॉफ को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि डेथर के अंदर बॉलिंग करने आते हैं, फिर यहाँ पे बसते हैं फारूकी। बॉल फर्स्ट में रोटेट कर सकते हो अगर अफगानिस्तान यहाँ पे पहले गेंदबाजी करती है, सेम फॉर नवीन उलग, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस में डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप जुड़ सकते हो। अगर आपको दोस्तों स्टैट्स चाहिए ना, जो मैंने आपको सारे वीडियो में दिखाया है सब, तो आप क्या करना, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना, डाउनलोड करना स्टैट्स गुरुजी ऐप दोस्तों, अपने ऐप स्टैट्स गुरुजी नाम से गूगल प्ले स्टोर पे,
तो जाइए दोस्तों डाउनलोड करिए, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जुड़ जाना। सी सून, जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी।